हम अपने ग्रुप में भी आए हैं स्टाफ में से, हम सबको यहाँ पे आके मतलब बहुत इंजॉय करने को मिला है। अपने स्थान को इस चीज़ को देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारे स्थान की ये देखो चार मीनार, हैदराबाद की देखोगे तो वो चीज़, दिल्ली का देखोगे कुतुब मीनार, इस तरह उन्हें भी खुशी फील होगी। सेवन वंडर थोड़ा सा छोटा है लेकिन वो भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत, और जो कारीगरों ने यहाँ काम करा है वो तो वाकई में काबिले तारीफ है, तो इसके लिए थैंक्स उनके लिए। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ घूम करके। आपको यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप चाहते हैं कि आपके स्कूल ट्रिप्स वगैरह यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएं? यस, अच्छा लगेगा। और ऐसा और भी बनना चाहिए, दिल्ली है, दिल्ली है तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल है, तो यहाँ तो बहुत सी चीज़ें ऐसी बननी चाहिए क्योंकि हम लोग बाहर से जो भी आते हैं तो ये चीज़ें देखने को और कहीं नहीं मिलती है किसी भी स्टेट में। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं इश्का, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में पंजाबी बाग इलाके में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है, और ये उद्घाटन स्वयं भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। इसी के साथ ही अगर हम पार्क की बात करें तो इस पार्क में आपको 21 कलाकृतियां देखने को मिलेंगी जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ बनाई गई हैं। सर, आप यहाँ पे भारत दर्शन पार्क में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बच्चों के साथ आया हूँ। अपने इंडिया के अंदर क्या क्या इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देख, जो हमें नहीं इतनी हिस्ट्री की पता, हम और स्टेट्स में घूमने नहीं जा सकते, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सबसे स्पेशल चीज़ आपको यहाँ की क्या लग रही है? सबसे स्पेशल अभी तक तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, बाकी अभी पूरा देखूंगा तो और पता पाऊंगा अच्छे से कि क्या स्पेशल है। बाकी वेस्ट से बना हुआ है सब कुछ, ये क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। तो सर, जैसे SDMC ने ये कदम उठाया है कि वेस्ट मटेरियल से चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, तो आप चाहते हैं कि दिल्ली में और भी ऐसे निर्माण किए जाएं? बिल्कुल, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। अपने आप में अच्छे पिकनिक स्पॉट्स हैं बच्चों के लिए, और कुछ सीखने समझने को भी मिलता है और अम्यूज़मेंट भी हो जाता है बच्चों का। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये बच्चों के लिए एक नॉलेजेबल पार्क के रूप में भी सामने आएगा? 100% नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा है। अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये नालंदा की विश्व यूनिवर्सिटी जो इंडिया की हुआ करती थी, बच्चों को नहीं पता हुआ शायद इसके बारे में, यहाँ पढ़ेंगे देखेंगे तो देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो इनको पढ़ने नॉलेज मिलेगी। आपको यहाँ सबसे अच्छा मॉन्यूमेंट कौन सा लगा? कुतुब मीनार। क्या आपने क्या स्पेशल लगा आपको कुतुब मीनार में इस बार? वो बहुत ही लंबा होता है। और आपको पता है ये वेस्ट मटेरियल से बना है यहाँ पे? नहीं। आपको लगता है आप वेस्ट मटेरियल से आप भी बनाओगे? हाँ जी, बताऊँ। क्या बनाओगे आप वेस्ट मटेरियल से? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनाओगे, वेरी गुड। मैम, आपने वेस्ट ऑफ वंडर पार्क आपने देखा होगा निज़ामुद्दीन में, उससे अगर कंपेयर करें इस पार्क को तो आप क्या कहना चाहेंगे? कंपैरिजन में वो उधर 7 है तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं, जैसे इंडिया का पूरा है ना, वहाँ पे यूके का भी है, पूरे अदर कंट्री का भी है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया का दर्शन है, ये चीज़ अच्छा है। तो आप चाहते हैं कि और पार्क ऐसे दिल्ली में बनाए जाएं? हाँ, थोड़ा डिफरेंट क्रिएट किया जाए, वो दोनों तो मोस्टली सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट होना चाहिए, अब एक और थोड़ी, ये तो पूरा इंडिया हो गया। आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप आगे भी या पिकनिक के लिए लोग बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं? ऑफ कोर्स, ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा जो सिटिंग एरिया बनाया गया है। जैसे मुगल गार्डन में जाते हैं हम लोग या कहीं जाते हैं तो वहाँ बैठने की जगह नहीं है, और यहाँ जगह जगह पे इतना खूबसूरत है कि बस उसे देखते रहो, बैठने के एरिया को ही देखते रहो, ये सब चीज़ तो है ही। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा पार्क है, और मॉल वॉल में तो बच्चे इतने घुटन करते हैं, यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, और बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दिल्ली में ऐसी चीज़ें और आगे आगे बढ़ती जा रही है, ताकि हमें और लोगों को बताएं कि लोग आएं दिल्ली में। हमारे रिलेटिव लोग भी आते हैं तो हम लोग आते हैं, मेहरौली से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं हम लोग यहाँ। बहुत ही अच्छा है, जो देखने में भी, और वैसे भी जो हमारे नियरेस्ट हमारे जो था वो कोई भी नहीं था, हमें वहाँ जाना पड़ता निज़ामुद्दीन, वो बहुत दूर पड़ता था, बट ये एकदम सेंटर पॉइंट में जो आया है और बहुत ही, उससे भी बहुत फार बेटर, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो सर, यहाँ पर बताया जा रहा है जितने भी आपके यहाँ पर कलाकृतियाँ बनी हैं उसमें 250 से 300 टन तक स्क्रैप यूज़ हुआ है, तो उसको आप किस तरह देखते हैं कि ऐसे इस्तेमाल दिल्ली में अगर हो है तो ऐसे और निर्माण होने चाहिए? जी, होने चाहिए। आप कुछ और डिफरेंट, मतलब
वेस्ट का ही यूज़ करें, जिससे वेस्ट कहीं और यूज़ हो सके, और कुछ अच्छा बाहर क्रिएटिव करना चाहिए, अलग तरीके का बाहर का भी कुछ लेके आना चाहिए, बाहर का जैसे विश्व में जो और भी कुछ है उसको भी क्रिएट करना चाहिए। और पार्क थोड़ा जैसे डायनासोर इस टाइप का भी बनाना चाहिए, बच्चे और ज़्यादा क्रिएट हो खुश उस टाइप का वेस्टेज से। आप देख सकते हैं जिस तरह लोग यहाँ पर बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और सेल्फीज ले रहे हैं। हर मॉन्यूमेंट यहाँ पर एक सेल्फी का पॉइंट बन गया है, हर मॉन्यूमेंट के साथ लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हमें दिख रहे हैं, परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के लिए काफ़ी एक एंटरटेनिंग प्लेस यहाँ पर बन गया है। हालांकि यहाँ पे बच्चों के लिए कोई एम्यूज़मेंट का कोई यहाँ पर साधन नहीं है, बट यहाँ पर स्टिल लोग जो हैं, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। उनके अंदर एक अलग इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह वेस्ट मटेरियल से यहाँ पर सभी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, तो बच्चों में कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती दिख रही है कि वो जानना चाहते हैं कि इंडिया के मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री क्या है, उनका इतिहास वो जानना चाह रहे हैं। जो ये मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, जिसने भी बनवाया है उसका नाम रेफर करना चाहिए हर मॉन्यूमेंट के आगे, उनका नाम भी लिख के देना चाहिए ना, पता तो चले ना लोग, पब्लिक आते कि किसने बनवाया है। उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना मन से इतना दिमाग लगाया है, तो उन्होंने पब्लिसिटी होनी बहुत जरूरी है। और ऐसा मैंने पहली बार अपने लाइफ में क्या, पूरे लोगों ने ही अपने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा होगा कि भारत का एक ऐसा स्थान जहाँ पे ऑल इंडिया के 30 राज्य की झांकी यहाँ पे एक साथ मिलेगी। जैसे मिनी इंडिया बोलते हैं वही उसी तरह हैं, हर राज्य के आपको यहाँ पे छवि और झांकी दिखाई देगी, और जिसमें कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। बंदे घूमने आएगा, दिल्ली का सबसे पहला नाम आएगा कि दिल्ली का एक ऐसा राज्य है जहाँ दिल्ली में जाएंगे तो पंजाबी बाग के पास में ये भारत दर्शन पार्क देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा लगेगा। फैमिली भी तो आ सकते हैं, और इसमें यहाँ पे अपने अपने राज्य की झांकी, सभी देश की झांकियाँ मिलेगी, जिससे कि बहुत ही उन्हें भी अच्छा लगेगा। और ये इसके बनने से, पार्क से हमें यहाँ पर ये भी मिला है कि हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी कारीगरों की प्रतिभा है कि हमारे देश के अंदर भी इतने अच्छे अच्छे कारीगर हैं जो इस तरीके से ये इन्होंने यहाँ पर गेट ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार, सेम इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने आकृति दी है। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे 250 से 350 गाड़ियों का स्क्रैप, जितनी भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जितना आयरन और स्टील का वेस्ट मटेरियल होता है, या गाड़ियों से जो आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है, कैंस, जितने भी प्लास्टिक कैंस होते हैं या जितने भी स्टील कैंस होते हैं, उन सब से, तमाम जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, उन सब से यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षक साबित हो रहे हैं, एक आकर्षण का केंद्र ये बन गया है। इसी के साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर आप इस पार्क में आना चाहते हैं तो आपको, जब आप बाहर इस पार्क में एंटर करेंगे तो आपको टिकट काउंटर सबसे पहले नज़र आएगा, वहाँ पर आपको टिकट्स लेनी है। छोटे बच्चों की टिकट्स जो हैं आपको 50 रुपये की यहाँ मिलेंगी, तो वहीं 12 से 7 साल के जितने भी लोग हैं उनकी टिकट 100 रुपये की आपको मिलेगी। और यहाँ पर टिकट का जो ड्यूरेशन है वो 4 घंटे का यहाँ बताया जा रहा है। 4 घंटे आप इस पार्क में घूम सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पर इस पार्क को नॉलेजेबल पार्क की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी अच्छी खासी जानकारी यहाँ पर लोगों को मिल रही है। अगर हम इस पार्क के एरिया की बात करते हैं तो ये 8.5 एकड़ में ये पूरा पार्क रेडी हुआ है, जिसमें आपको तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। और इसी के साथ ही जो यहाँ बुज़ुर्ग आते हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी वैन सर्विस लगाई गई है, जिससे आप गेट से ही बैठकर पूरा पार्क घूम सकते हैं। वो आपको पूरी गाइडलाइंस देंगे, और लोगों का भी मानना है कि आगे वो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते रहेंगे। मैं इशिका, झलको दिल्ली।